शशांक गोयल गुड मॉर्निंग, नेहा गुप्ता गुड मॉर्निंग, पूर्णिमा नायक गुड मॉर्निंग, शिवी सिंगल गुड मॉर्निंग, धीरज खेड़िया गुड मॉर्निंग, राघव भाटिया गुड मॉर्निंग। तो कैसा रहा आज का क्लास? आज हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स किए। 19 से हमने शुरू किया आज की क्लास, और आज की क्लास का थोड़ा सा मुझे बताएं। इक्वेशन सर, एक नॉर्मल डाउट आता है सर, एग्ज़ाम में क्या इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्पित बंसल गुड मॉर्निंग सर। कॉन्सेप्ट 21 4A2 करेक्शंस, प्लीज रिव्यू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन 21, कॉन्सेप्ट नंबर 21, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 4A रिव्यू द सॉल्यूशन, तो एक बार हम सॉल्यूशन देखते हैं। SCR ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, स्पीड ऑफ द क्लास। फास्ट तो नहीं थी नेहा गुप्ता को, फास्ट लगी क्लास की स्पीड, और हमें स्लो होना है क्या? सत्यजीत रॉय को ऑसम क्लास लगी, तो नेहा जी कुछ बोल रही हैं, सत्यजीत कुछ कह रहे हैं। स्पीड ऑफ द क्लास नेहा जी को स्लो करना है, और स्लो चाहिए, और स्लो पढ़ाना है, बताइए। धीरे धीरे, हौले हौले। अच्छा, SCR हो गया, ये ओके है, EPS भी ओके लग रहा है, MPS भी ओके लग रहा है, मार्केट वैल्यू भी ओके लग रहा है, गेन लॉस ओके लग रहा है, अभी तक तो सब ओके लग रहा है, और बाइफर्केशन भी हमारा ओके लग रहा है, और एक्स्ट्रा नॉलेज में पर शेयर बेसिस पे बता दिया गया, बताइए सब ठीक लग रहा है मुझे तो। यहाँ सर, स्पीड ऑफ द क्लास वाज परफेक्ट, नेहा जी एक्चुअल में कह रही थी स्पीड ऑफ द क्लास वाज परफेक्ट, तभी मुझे लगा कि मुझे ऐसा लग रहा कि मैं ठीक है, स्पीड स्लो ही है, उससे ज़्यादा स्लो तो फिर तो नींद ही आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट 21 4A2 पार्ट में 100 इंस्टीट्यूट ऑफ 400 4A पार्ट टू। एक मिनट, अर्निंग ऑफ ए कितना है एक बार मैं देख लूं। अर्निंग ऑफ ए है आपका 4A पार्ट टू में आ गए 400। मैं एक बार देख लूँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ओके, यस, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 100 है, जिन्होंने 400 लिखा उसको प्लीज इसको 100 कर लें। और बताइए, मार्केट वैल्यू ए प्लस बी 109.10 इंटू 220। मार्केट वैल्यू ए प्लस बी 109, उसके बाद शिवी सिंगल जी क्या कह रही है, 220 लैक्स। इंटू 100 है, ये 400 नहीं है, 100 है, दिस इज 100, फाइन, ठीक है, पॉइंट नोटेड। और बताइए फोर्थ पार्ट। जी हाँ, CVG का भी मैंने बात रख लिया यहाँ पर, स्पीड इज परफेक्ट, ठीक है, नेहा गुप्ता ठीक है, धीरज खेड़िया ठीक है, वेरी गुड। अब पूछिए डाउट, अब डाउट पूछिएगा फटाफट, अब पूछिए डाउट।
फोर्थ पार्ट ठीक है, हमने कर दिया शायद, आई थिंक ये ठीक है, 400 नहीं है, ये 100 होगा, आई थिंक इट्स ओके नाउ शिवी जी, इट्स ओके नाउ, नो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट फॉर क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट 19, एक मिनट आ जाइए, फोर्थ पार्ट नॉट 220, 200, जी, बिल्कुल बिल्कुल, 200 होना ही है, 200 होना ही है, ये तो Na प्लस एन बी इन टू ही आ रहा है, ठीक है फाइन, 200 प्लस 100 इंटू 0.20, ये तो होना ही है, इस पे तो कोई बात ही नहीं है, सब तो कैलकुलेटर में सॉल्व होने वाली चीज़ है, बट फिर भी आप इसको ठीक करें, क्योंकि ये 200 ही है और ये 100 है, ठीक है फाइन, ओके नॉट नॉट ओके, अब क्या दिक्कत है बताइए, और फिर हम गुनी जी के डाउट को सॉल्व करेंगे, ससांग गोयल इज इट ओके नाउ, नाउ ओके, चलिए अब हम लोग को परमिशन मिल चुकी है, अब हम आते हैं गुनी जी के डाउट में, कॉन्सेप्ट 19, कॉन्सेप्ट 19, कॉन्सेप्ट 19 का कह रहे हैं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, यही पूछना चाह रहे थे शायद वो, आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इसका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, आएगा इसका प्रैक्टिकल, हर एक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, हर एक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ठीक है, और उसके बाद धीरज खेड़िया कॉन्सेप्ट 2025 पार्ट ऑफ एमपीएस ए, कॉन्सेप्ट नंबर 23, कॉन्सेप्ट नंबर 23, कॉन्सेप्ट नंबर 23, क्वेश्चन 25A पार्ट टू, 25A पार्ट टू, एमपीएस ए इज 20, एमपीएस ए इज 20 इंस्टेड ऑफ टू, बिल्कुल बिल्कुल, एमपीएस ए एक बार आप टेबल में देखिए क्या लिखा था आपने, एमपीएस ए टेबल में क्या 20 है, डेफिनेटली 20 ठीक है फाइन, सो यहां भी 20 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और बताइए सत्यजीत रॉयत, यस क्वेश्चन 3A 24L, कॉन्सेप्ट नंबर 24, थ्री ए, मतलब सब पूरा आप लोग पूरा एकदम महारथी हो गए, एकदम पूरा अच्छे से आप लोग ने कर लिया सारा चीज़, ये 24 ही है, ये 24 है, ये 29 लग रहा है क्या आपको, अच्छा आई थिंक यही कहना चाह रहे हैं, ये दिस इज 24 ओनली, मैं और थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ इसे, ये 24 ही है शिव जी, आप यही कहना चाह रहे थे, माई डाउट फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटीज इन NAV विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास, कंटिजेंट लाइबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमने करेंगे, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया क्या, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नाम का कॉन्सेप्ट अभी आया ही नहीं है, आएगा आई थिंक आज की क्लास में नहीं आया है सर, वो 4 ही है बट 9 सा लगता है, अच्छा है एक्चुअल में 4 लेकिन 9 सा लगता है, तो ठीक है आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, मैं एकदम इस तरह से लिखूंगा ना कि इस तरह से लिखूंगा, तो ये 9 हो गया, ठीक है नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल लुक इन टू इट इन नेक्स्ट क्लास, यस सर कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ भी गया, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नंबर बताइए कौन सा है, जो हमने आज क्लास में किया था कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट नंबर बताइए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का, ये रहा कंटिंजेंट लाइबिलिटी, यहाँ बताइए क्या डाउट है, अब तो हो गया, अब इसमें क्या डाउट, अब कुछ नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा इसके ऊपर, ये हो ही गया, गुनी जी डाउट पूछे स्पीड बिल्कुल सही है, ऐसे ही पढ़ाते रहो, स्पीड बिल्कुल सही है ऐसे ही पढ़ाते रहो, थैंक यू सो मच राघव, 33, 33 क्या CV, यस सर इन EPS B, EPS B क्या, प्लीज़ आप CV सिंगल जी क्लेरिफाई कीजिएगा,
कॉन्सेप्ट आ गया गुनित जी? यस आ गया है। कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी में कोई डाउट है तो बताइए। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट नंबर 33। हाँ, व्हाट इज द डाउट इन दिस क्वेश्चन सत्यजीत रॉयत, बताइए डाउट बताइएगा। शिवी जी यस सर इन ईपीएस बी, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कहीं आप बताइए कहाँ आपको दिक्कत लग रही है। फाइन, बाय द वे क्वेश्चन 24 हैज नॉट बीन सॉल्व इन टूडेज क्लास। हाँ हाँ कोई नहीं, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में तो कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट में क्या डाउट है? कॉन्सेप्ट में बताइए क्या डाउट है, कॉन्सेप्ट में बोलिए क्या डाउट है, कॉन्सेप्ट में बताइए क्या डाउट है। हाँ कल नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। चलिए तो नो डाउट सर, क्वेश्चन का ऑन कॉन्टिजेंट नेक्स्ट क्लास में होगा, 24 नॉट सॉल्व का नेक्स्ट क्लास में होगा, गुनित ठीक है, एनएवी कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में होगा, और आपका शिवी जी यस सर ईपीएस बी इसके बारे में समझ में नहीं आया। कॉन्सेप्ट इज क्लियर 33 नंबर। ईपीएस हाँ, अच्छा यही बोलना चाह रहे थे, ईएसबी 24 है 29, ठीक है हो गया। चलिए और बताइए। सो एक बात बताइए, आज एक कंपनी डेल्टा कॉप को जीएसटी नोटिस आया है 16,000 करोड़ का, तो आपको क्या लगता है इस कंपनी की आज क्या पिटाई हुई होगी, क्या पिटाई हुई होगी ये बताइए। इस कंपनी की आज कितनी पिटाई हुई होगी? आज इस कंपनी की कितनी पिटाई हुई होगी ये बताइए जरा। आ गया, बैक सर, यस सर फॉल होगा, शिवी सिंगल जी कह रही है फॉल होगा। आज इस कंपनी की 16,000 करोड़ की नोटिस की डिमांड आई है, आज इस कंपनी का क्या होगा मार्केट में, क्या इसकी वैल्यू गई होगी, गिरी होगी या बढ़ी होगी, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। अगर कंपनी के पास पैसे की कमी आएगी, अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अनसर्टन होगा, अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अनसर्टन होगा तो कंपनी की वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी? डेफिनेटली गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी। तो आप बताइए आज इसकी प्राइस कितनी गिरी होगी, एक अंदाज़ा लगाइए आज इसकी प्राइस कितनी गिरी होगी, एक अंदाज़ा लगा के बताइए। तो फॉल होगी, सत्यजीत रॉयत भी कह रहे हैं। ये देखिए आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, एक दिन में 15% की गिरावट, एक दिन में 15% की गिरावट आप देख सकते हैं। आज इस कंपनी को कोई खरीदना नहीं चाह रहा, आज रातों रात इस कंपनी का ऐसा बुरा हाल हुआ है कि कोई इस कंपनी को अब खरीदना भी नहीं चाह रहा। आज कोई इस कंपनी को खरीदना नहीं चाह रहा है, आप देख सकते हैं बायर सेलर के जो डिफरेंस है उसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 14% खुलते ही, मार्केट प्राइस खुलते ही ये डाउन हो गया, आस्क
मतलब सब बेचना तो चाहते हैं, देखिए सब बेचना, लेकिन बिड कोई खरीदना नहीं चाह रहा, बिड कोई नहीं लगा रहा है, बिड कोई नहीं लगा रहा है, सब बेचना चाह रहे हैं लेकिन खरीदना कोई नहीं चाह रहा है। आप यहां से देख सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल आराम से इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है, कि बिड में कोई नहीं है, बाई करने में कोई नहीं खड़ा है, कोई इसको बाई नहीं करना चाह रहा है, 15% डाउन होने के बावजूद भी कोई बाई नहीं करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं बिड आस, जब बिड इस तरह से दिखाई जाए तो इसका मतलब इट इज एन इंडिकेशन ऑफ लोअर सर्किट, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ लोअर सर्किट, ठीक है। अभी आज खुल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद इसका सर्किट, कुछ नियम होता है, कुछ टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड कुछ प्राइस रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट कहने का बात यह है कि एक न्यूज से कंपनी का क्या हाल होता है आप समझिए, ठीक है। और डेफिनेटली ये एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है मार्केट में, और इस तरीके इसकी प्राइस कितनी गिर गई है आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली हम लोगों का भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग के भी क्वेश्चंस, जितने भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराते हैं सारे शेयर प्राइस के ऊपर ही तो क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस शेयर प्राइस के ऊपर ही होते हैं, हम जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास भी हमें काफ़ी अच्छा हुआ, आज भी क्लास हमारा अच्छा हो गया। अब इस वीक हम लोग को कोई हमारी छुट्टी भी नहीं है, हम लोग को पूरा एकदम मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल जम कर मेहनत करनी है, जम कर काम करना है, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम इसको कवर करने की। और कुछ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में दो क्वेश्चन में, एक ईवीए में क्वेश्चन नंबर 1F में कोई दिक्कत आया था उसको मैं क्लैरिफिकेशन ग्रुप में डाल दूंगा, और 5C में भी कोई दिक्कत आया था कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में उसका भी क्लैरिफिकेशन में बुक में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की क्लास भी बहुत अच्छे से कवर हो गई, हर दिन एक एक करके हम लोग अपने सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं और नॉलेज हम लोग का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। आप लोग हर दिन इसी तरह से लाइव क्वेरी में भी आइए, लाइव क्लासेस में भी आइए, ताकि हम इस क्लास को और इंटरेक्टिव बना सकें। थैंक यू सो मच।